नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त ललित और बहुत बहुत स्वागत है आपको आपके अपने चैनल एशियन डिसिबाई ललित पे। तो दोस्तों, आज जो हम बता रहे हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, तो 12 वोल्ट जो डायरेक्ट पिक्सल एलईडी होता है उसको आप 5 रन सर्किट के द्वारा या फिर कोई भी सर्किट के द्वारा आप रन कैसे करिएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो फिलहाल इसमें रनिंग का ही हम दिखाएंगे, जो कि आप 5 रन सर्किट या फिर 5 रन एक्शन सर्किट या फिर आपका कोई डिजिट वगैरह में बोर्ड में स्विचर बोर्ड में लगाते हैं उसके साथ में आप एडजस्ट करके रनिंग कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ क्या किस तरीके से होगा, सभी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और जो भाई मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल लिखा हुआ आएगा उसे भी सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं दोस्तों जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है इसका स्टार्टिंग। यहाँ पे आप किसी भी साइड से 12 वोल्ट का ये जो पिक्सल का है, किसी भी साइड से आप इसमें इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव साइड है, देखिए एक रेड कलर का वायर है, मतलब एक रेड कलर का देखिए मार्क किया हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइड है, और जिसमें बिल्कुल वाइट है ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको रनिंग करेंगे। तो रनिंग करने के लिए देखिए, हमने सभी का जो नेगेटिव है इसे हम कट कर दिए 20 से, सभी में देखिए जितना भी मेरा होगा सभी का पहले देखिए हमने नेगेटिव वायर को कट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसे अब आपको दिखाते हैं कि इसमें कनेक्शन किस तरीके से आप करिएगा ताकि ये रनिंग हो। तो हम इसे रनिंग करने के लिए 5 रन का जो आता है 5 रन का सर्किट से भी कर सकते हैं, और इसमें जो मयूर वाला जो बोर्ड है तो इसके साथ में भी हम जो सर्किट होता है उसके साथ भी रनिंग कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसमें हम आपको, फिलहाल अभी कटा हुआ है तो इसमें हम आपको रनिंग करते हैं, उसके बाद फिर से आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रनिंग इसमें कर किए हैं, ठीक ना, क्योंकि ऐसे आप नहीं समझ पाइएगा। तो हम इसमें पहले रनिंग करते हैं, वायर सभी लगाते हैं, उसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं। तो ये मेरा फाइनली हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा पहला चैनल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ठीक है। इसे हम 5 रन कर रहे हैं। तो सबसे पहला वाला जो है देखिए हमारा यहाँ से निकला, और 1, 2, 3, 4 पांचवा लैंप है जो उसमें जाके ज्वाइंट हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप 1, 2, 3, 4 और फिर वही तार देखिए हमारा ये पांचवे लैंप पे आके हो गया। तो इसी तरीके से हमने देखिए ये जो मेरा दूसरा चैनल का है ये भी देखिए आप यहाँ से अगर आप देखते हैं तो देखिए ये 1, 2, 3, 4 और ये देखिए यही तार हमारा दूसरा नंबर वाला, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हर एक को 5 लाइन में जोड़ेंगे, जो कि 4-4 लैंप छोड़ के हमें करना है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने पूरा देखिए इसमें वायरिंग इसी तरीके से किया है, ठीक है। जैसे आप 5 रन सर्किट में देखते थे, सभी मान लीजिए ये 5 रन सर्किट्स में हम लोग जैसे कनेक्शन करते थे सेम चीज़ है। पॉजिटिव हमारा कॉमन है, नेगेटिव 1, 2, 3, 4, 5 कर रहे हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 5 कर रहे हैं, इस तरीके से हमें पूरा बोर्ड में कनेक्शन देना है, ठीक है। अब चलिए इसमें एक सर्किट लगाते हैं और इसे जला के आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, क्योंकि अगर टेस्ट करके दिखाने से ये जलता कैसा है ये भी आप देख पाइएगा, और कनेक्शन सही हुआ है या नहीं ये भी आप जान पाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, इसको हम सर्किट लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, हमने अभी फिलहाल सर्किट को लगाया है और इसे जो है हमने देखिए 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का एडाप्टर लगाया है, और यहाँ पे कनेक्शन आप देखिए, यहाँ पे जो है हमने पॉजिटिव को कॉमन किया है। जैसे कि आप जानते हैं नेगेटिव सर्किट अगर हमारा होता है नेगेटिव कट में, तो पॉजिटिव को हम कॉमन करते हैं, नेगेटिव 1, 2, 3, 4 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव का जो हमारा पहला चैनल है ये वाला देखिए, तो हमने पहला पोल पे दिया, उसके बाद दूसरा वाला जो है ये हमारा दूसरा वाला देखिए, दूसरा एलईडी का है, देखिए दिखाते हैं इसको, ये देखिए ये दूसरा एलईडी का है। तो हमने दूसरा पोल पे दिया, उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। और जो है हम इसे आप पावर सप्लाई देते हैं और देखते हैं। तो देखिए ये पीछे से भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा रनिंग हो रहा है। चलिए हम इसे आपको फ्रंट में करते हैं, फ्रंट में करके फिर से आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है रन हो रहा है, ठीक है, पीछे से अभी आपको दिखा रहे हैं।
तो चलिए इसे हम फ्रंट में लाते हैं, उसके बाद आपको चला के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फिलहाल अभी रन हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं। अब इसका स्पीड कम ज़्यादा वो आप सर्किट से भी कर सकते हैं और जिस तरीके से माप रखना चाहें। तो फिलहाल अभी हमने इसे रनिंग के लिए जस्ट डाले हैं। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसमें जब लूज कनेक्शन हो, तो इसी तरीके से ये अपना काम करता है जैसे कि आप देख सकते हैं। और 12 वोल्ट पिक्सल एलईडी को आप किस तरीके से रनिंग करते हैं इसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल्स दिए हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये बहुत तरीके से देखिए फाइब्रन एक्शन सर्किट है और जो जिससे हमने अभी कनेक्शन दिया है और प्रॉपरली चल भी रहा है आप देख जैसा देख सकते हैं। देखिए अभी इसमें बहुत सारा डिजाइन अभी चेंजिंग होगा, जैसे चेंज कर अपना ऑटोमेटिकली ये चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लूज कनेक्शन हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इससे जुड़े अगर कोई भी सामान आपको चाहे तो देखिए डिस्प्ले पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने घर पे कुरियर मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बोर्ड अभी फिटिंग पूरा नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत जगह पे भी लैंप बाकी है। तो हमें रनिंग के बारे में आपको दिखाना था इसीलिए हमने ये वीडियो डाला है। तो अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आता हो तो कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।